भाई यार ये देखो, ये शिनचैन को है ना मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ यार। इसने बोला था ये तो कहीं पे खेलने जा रहा है मसाओ और नैनी के साथ, पर यार ये देखो मसाओ और नैनी के साथ खेलने नहीं जा रहा, ये कहाँ पे आया? अरे ये क्या हो गया भाई, इतने सारे यहाँ पे हल्क क्यों है यार? रुको यार, मेरे को तो यहाँ पे बुलाया नहीं गया तो मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे है ना मुझे छुप के देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। इबली दद्दू हल्के सब जन आ गए क्या? ओए शिनचैन पुत्र यार, सब जन आ गए यार, तूने बहुत देर कर दी। यार मेरे को फिंकी बैग का पीछा छुड़ाना था ना यार, वो मेरा पीछा कर रहे थे, बोले थे उन्हें भी चलना यार इसके लिए, तुमने ना बोला था ना उनको लाने के लिए। ओए हाँ यार, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड जगह थी यार ट्रेडमिल के लिए, तो यार फ्रैंकलिन को नहीं लेकर आ सकते। गाइस यार ये चल क्या रहा है, शिनचैन क्या कर रहा है यार दद्दू हल्क के साथ ब्लू वाले, और यहाँ पे इतने सारे दूसरे हल्क क्यों आए? और यार यहाँ पे देखो ये बेबी शिवा, बेबी कीको, बेबी लिटिल सिंघम, ये लोग बेबी शिनचैन, ये सभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दद्दू मैं भी दौड़ने लग जाऊँ क्या? ओए पुत्र जी, हाँ भाई शुभ काम में देरी कैसी? अरे कौन सा शुभ काम, कौन सी देरी है, क्या हो रहा है गाइस? यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, देखो ये शिनचैन ने भी दौड़ना चालू कर दिया। गाइस ये देखो ये शिनचैन ने भी ट्रेडमिल पे दौड़ना चालू कर दिया यार, ये देखो ये सारे ब्लू हल्क के लिए चेयर भी कर रहे। अरे शिनचैन, लिटिल सिंघम, कीको, शिवा, तुम ये लोग कर सकते हो अपनी एज को जल्दी जल्दी से बढ़ा लो इस पे दौड़ के। गाइस ये क्या यार, ये क्या कर रहे? अच्छा ये देखो यार, ये स्क्रीन पे है ना ये एज मीटर्स आ गए, इन सब लोगों के एज मीटर बढ़ने लगे। गाइस मैंने सुना तो था यार लॉस सैंटोस में ऐसी ट्रेडमिल्स है हल्क के पास जिस पे दौड़ के तुम अपना एज मीटर बढ़ा सकते हो, पर यार मैंने आज तक उनको देखा नहीं था। ये देखो यार यहाँ पे देखो शिनचैन है, शिवा, सिंघम और कीको सब जन दौड़ रहे, इनका एज मीटर बढ़ता ही जा रहा है यार। अगर इस स्पीड से इनकी एज बढ़ी तो गाइस यार ये लोग तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े हो जाएंगे। रुको गाइस यार, ये देखो इनके एज मीटर तो कैसे भाग रहे, देखता हूँ। अरे ये क्या हो गया गाइस, ये देखो शिनचैन तो एक ग्रीन हल्क में अपग्रेड हो गया, ये शिवा, लिटिल सिंघम और कीको ये लोग भी इतने ज्यादा मस्कुलर में कन्वर्ट हो गए। ओए मेरे पुत्रो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम्हारी एज देखो कितनी स्पीड से बढ़ रही है यार। अरे हाँ यार गाइस देखो इनकी एज तो कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, बाप रे यार इनकी मसल्स तो देखो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इनकी तो भाई बॉडी शॉडी मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो गई। शिनचैन की साइज थोड़ी छोटी रह गई है, पर यार मुझे श्योर है कि वो भी बढ़ जाएगा। यार इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया गाइस, यार मैं भी मेरी थोड़ी सी एज मीटर बढ़ा लेता, मैं भी एक खतरनाक हल्क बन जाता यार। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ गाइस, यार मुझे पता नहीं। अरे वाह 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 मेरे स्टूडेंट्स, तुम लोगों की तो एज और भी बढ़ गई। व्हाट गाइस, यार इनकी एज और बढ़ गई? अरे ये क्या हो गया गाइस, ये देखो इन सब के तो विंग्स आ गए। ये देखो यार शिनचैन के इतने खतरनाक विंग्स आ गए, शिवा, कीको और लिटिल सिंघम के भी। यार ये लोग तो ऐसे चढ़ते जा रहे। दौड़ते रहो यार, तुम्हारा एज मीटर इतना जल्दी फुल हो जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यो यो ब्रदर्स, दौड़ो दौड़ो, तुम भी हम सबकी तरह एकदम स्ट्रॉन्ग हल्क में कन्वर्ट हो सकते हो। यार थैंक यू हल्क, हम जब बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाएंगे। अरे शिनचैन, मुझे तेरे पे पूरा नाज है, वो फ्रैंकलिन से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अब तो, तू तो वो तो एक नंबर का कीड़ा है कीड़ा। अरे हाँ फ्रैंकलिन तो कीड़ा है, उसको कोई पसंद नहीं करता। मैं भी फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करता, रैग्नारोक तू पसंद करता है क्या? अरे मैं तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, मेरे तो तीनों सर उसको पसंद नहीं करते। यार हम भी पिंकी बाई को पसंद नहीं करते, अब तो हम पिंकी बाई से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, देखो हमारा एज मीटर तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अच्छा गाइस, तो यार ये सब लोग है ना मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते, यार मेरे को तो लगता था ये सब मेरे दोस्त है। रुक जाओ यार, यहाँ पे पेड़ के सामने से जाके देखता हूँ और क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मुझे नहीं देख पाएंगे, ये लोग अपने सेलिब्रेशन में सारे एकदम खुश है। यहाँ पे रुक जाओ, पेड़ के यहाँ पे छुप जाता हूँ। ओए पुत्र जी, आई थिंक यार ये सारा ट्रेडमिल में से एज अपग्रेड करने वाला जूस खत्म हो गया यार तुम लोगों का। देखो एज मीटर और अपनी हो रहा, पर यार तुम इतने प्यारे बच्चों से यहाँ पे आए थे और देखो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो अब दौड़ना बंद कर सकते हो। यो दद्दू हल्क, तुमने देखो कीको को तो कितना ज्यादा अपग्रेड कर दिया, मेरी मसल कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे से अपने क्राइम फाइटिंग करने के लिए। गाइस ये देखो कीको तो कितना ज्यादा अपग्रेड हो गया, बाप रे ये देखो कितनी फुल स्पीड में, ये तो उड़ के यहाँ से भाग भी गया। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, कीको से स्ट्रांग तो लिटिल सिंघम हुआ है। और लिटिल सिंघम पुत्र यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अरे दद्दू हल्क, मैं तो जा रहा हूँ लॉस सैंटोस मिलिट्री का सबसे खतरनाक जनरल बनने, अभी तक तो सिर्फ मैं पुल्स में था, अब तो मैं मिलिट्री का जनरल बन जाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी से चलता हूँ। गाइस ये देखो लिटिल सिंघम भी इतना स्ट्रांग हो गया कि ये बोल रहा है वो मिलिट्री का सबसे बड़ा जनरल बन जाएगा। युवा तो अब शिव भगवान जितना स्ट्रांग बन चुका है। ओए पुत्र जी, ऐसे यार तुम तो एकदम हैंडसम लग रहे हो, तुम तो बॉलीवुड में सुपरस्टार बन जाओ। अरे दत्तू, मैं भी वैसा ही सोच रहा था, क्यों ना बॉलीवुड में जाके सुपरस्टार बन जाओ। अरे गाइस ये देखो यार, ये तो बॉलीवुड में जाके सुपरस्टार बनने के लिए एकदम रेडी है, अब तो सिर्फ शिनचैन ही बचा। चलो जल्दी जल्दी से यार, नहीं ये भी चला गया यहाँ से। दद्दू हल्क, मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा सा खुद को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। और शिनचैन पुत्र, इतने खतरनाक विंग्स वाले ग्रीन शिनचैन हल्क में कन्वर्ट हो गए, और कितना अपग्रेड होना है तुम्हें? दद्दू हल्क, मुझे तो एक जायंट शिनचैन हल्क में अपग्रेड होना है,
क्या शिनचैन को एक जायंट शिनचैन हल्क बनना है? उदित तू हल्का देखो, इसमें ना सब मशीन्स में जूस तो खत्म हो गया, पर मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा और दौड़ने की मेहनत करूंगा तो मेरी एज अपग्रेड हो जाएगी। और पत्थर जी तुम्हें लग रहा है तो कोशिश कर लो। अरे गाइस ये देखो, शिनचैन तो यहाँ पे फुल स्पीड में दौड़ा जा रहा है, वो दौड़ा जा रहा है और देखो कैसे अपग्रेड हो जा रहा है, और मैं यहाँ पे बाजू में पेड़ के पीछे छुपा हुआ कमजोरों की तरह। उदित तू हल्क मेरे को एकदम स्ट्रांग फील हो रहा है, मेरे को तो लगता है मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। और पत्थर जी हो जाओ, अपग्रेड हो जाओ। उदित तू हल्क यार ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया। और शिनचैन पत्थर ये क्या कर दिया तुमने? उदित तू हल्का देखो, मैं तो इतने खतरनाक है ना, फोर हेडेड शिनचैन स्पाइडर में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अरे वाह शिनचैन, तुमने तो कर दिखाया। अब तो मैं पिंकी पाई से कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, बल्ले बल्ले शावा शावा हो गई। अरे गाइस ये देखो तो सर, ये शिनचैन ने खुद के साथ क्या कर लिया भाई, उसने पावर के कारण खुद को कितना गंदा कर लिया। ये देखो यार, उसके हाथ में भी उसके दो हेड है और वो इतना ज्यादा जायंट हो गया, पर उसकी पूरी बॉडी पे खून खून लग गया, उसके इतने सारे छह अजीब से हाथ भी आ गया, ये क्या कर लिया उसने। ये देखो मुझे तो लग रहा है कि पिंकी भाई यहाँ पे आसपास है, मुझे उनकी बदबू आ रही है। और पत्थर जी फ्रैंकलिन यहाँ पे आसपास हो ही नहीं सकता, उसको सीक्रेट लोकेशन पता ही नहीं है। अरे हाँ हाँ गाइस, ये सीक्रेट लोकेशन है, मैं यहाँ पे इनवाइटेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। और पत्थर जी कोई बात नहीं, और अब तुम भी जाके अपनी जिंदगी जियो। हाँ दद्दू हेल्कअप, तो पिंकी भाई से मैं बात भी नहीं करूंगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग जी हो गया। अरे गाइस ये देखो, शिनचैन ने तो कैसे दल बदल लिया। अब ये देखो यार, ये इसने तो अपनी फुल स्पीड यूज करनी चालू कर दी, और ये तो क्या धमधमाता हुआ यार लॉस सेंटो से बल्ले बल्ले करते जा रहा है। गाइस यार तुम्हें क्या लगता है यार, यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे जाके दद्दू से बात करूँ तो वो थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे क्या, मुझे भी एक मस्कुलर हल्क फ्रैंकलिन में कन्वर्ट करवा देंगे? एक बार यार जाके बात तो करता हूँ, ज्यादा क्या होगा ना बोल देंगे। अरे दद्दू हल्क सुनो। ओए फ्रैंकलिन पत्थर, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अरे दद्दू हल्क यार, मैं शिनचैन को फॉलो करते करते आ गया था। ओए तुम्हें पता नहीं है छोटे बच्चों का पीछा करना इल्लीगल होता है? अरे हाँ इल्लीगल तो होता है, पर मेरा खुद का भाई है ना, इसके लिए लीगल हो जाता है। ये देखो यार, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कितनी मस्त चमचमाती हुई चार एज बढ़ाने वाली ट्रेडमिल है। यार एक ट्रेडमिल मुझे भी दे दो ना, मैंने सुना यार कि इन पे दौड़ते तो तुम्हारी एज बढ़ जाती है। ओए पत्थर जी ऐसा सब कुछ नहीं होता, ये तो सब झूठी कहानियां है। अरे नहीं नहीं, मैंने मेरी आंखों से देखा यार, यहाँ पे है ना वो सब जन आए थे, शिनचैन कीको लिटिल सिंघम शिवा सब जन आए थे, उन ये सब इस पे दौड़ रहे थे, वो बेबी से एकदम खतरनाक फॉर्म में अपग्रेड हो गए। ओए पुत्र जी तुम हम पे जासूसी कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, जासूसी नहीं कर रहा था दद्दू हल्क यार, देखो तुम गुस्सा कर रहे हो फालतू में। ओए तू क्या बोलना चाहते हो, मैं फालतू में बातें करता हूँ? अरे नहीं 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 यार, तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर जा रहे हो? देखो मुझे बस कुछ नहीं करना, एक ट्रेडमिल पे दौड़ना है। ओए पुत्र जी ट्रेडमिल की सारी पावर खत्म हो चुकी है यार, ये बहुत महंगी ट्रेडमिल आती है, इन पे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे हाँ गाइस देखो यार, इतनी तेजी से दौड़ रहा हूँ यार, यहाँ इस पे है ना शिवा दौड़ रहा था, उसका तो एज मीटर कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। ओए पुत्र जी मैं बोल रहा हूँ ना, इनका जूस खत्म हो गया, अब इनमें शक्ति नहीं रही है। अरे हाँ यार देखो, लिटिल सिंघम की ट्रेडमिल भी एकदम खाली है गाइस, इस पे भी कुछ नहीं हो रहा मेरा। यहाँ पे देखो यार, जिस पे कीको था उस पे भी कुछ नहीं हो रहा यार। रुक जा यार, शिनचैन की ट्रेडमिल ट्राई करता हूँ यार, उस पे तो है ना शिनचैन इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया। गाइस देखो यार, इस पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीटर बढ़ रहा है। ओए पुत्र जी उसका जूस बस खत्म ही होने वाला है, उसको खत्म मत करो, हल्का जूस बहुत ज्यादा महंगा आता है। अरे हाँ महंगा महंगा आता होगा, छोड़ो पर यार मुझे दौड़ने तो दो। ओए पुत्र जी ना बोल दिया ना, मत करो। अरे दद्दू थोड़ा सा कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओए पुत्र जी नहीं, दौड़ना बंद करो यार, रुक जा। अरे गाइस ये देखो, दद्दू हल्का तो मेरे पे गुस्सा आ गया, भागो यहाँ से। अरे दद्दू मारो मारो इसको मारो, ये फ्री में अपग्रेड होने के लिए आया था। अरे तुमने इतने सारे दूसरे जनों को भी तो फ्री में अपग्रेड किया, मुझे भी फ्री में अपग्रेड कर देते तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ओए पुत्र जी तुमको इनवाइट नहीं किया ना, बस वो फर्क की बात है। अरे गाइस ये देखो, दद्दू हल्क ने तो मुझे उठा लिया। अरे नहीं 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 यार, छोड़ो मत यार, बहुत लगती है। अरे कैसे धुलाई कर रहे हो यार, इतना तो शरीर में खून भी नहीं जितना तुमने निकाल दिया। ओए पुत्र जी अगली बार मेरे से बदतमीजी मत करना। अरे हाँ हाँ दद्दू हल्क माफ कर दो यार, आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। ओए पुत्र जी ये देखो, तुमको अपग्रेड होने का बहुत शौक है ना, ये आसमान में जाके अपग्रेड करो खुद को, ये लो मैं तुम्हें ऐसा दूर फेंकूंगा ना कि यार चाइना जाके मिलोगे वापस से। चलो यार अभी फ्रैंकलिन की तो धुलाई कर दी, यहाँ से चलता हूँ। ओए बच्चा लोग यार, यहाँ पे सब काम कम्प्लीट हो चुका है, सब पैकिंग कर लो अपने, यहाँ से चल रहे। अरे ठीक है दद्दू चल रहे यार, देखो जल्दी ये ट्रेडमिल तो यहीं पे छोड़ देते हैं, इनकी तो सारी जूस खत्म हो गई है। ओए पुत्र जी सही बोला, चलो यार यहाँ से निकलते हैं। अरे यार दद्दू हल्क ने तो कितना ज्यादा ऊंचा फेंका था, आउच। अरे सारी हड्डियाँ टूट गई गाइस, यार क्या करूँ यार, इतना जोर से फेंका था मुझे, मैं तो यार सीधा चल भी नहीं पा रहा। पर गाइस देखो यार, मेरे को अपग्रेड होने के लिए अगर कुछ भी तरीका ढूंढना है तो यार मेरे पास एक आइडिया है। गाइस यहाँ पे देखो यार, चार ट्रेडमिल पड़ी है, अब यार इनमें है ना ऐसे तो कोई जूस बचा नहीं, और इन सब में देखो यार स्पार्क वार्क भी लग गए, क्योंकि वो जब हल्क गए तब उन्होंने ना सारी ट्रेडमिल खराब कर दी, जिससे कोई भी इनसे अपग्रेड ना हो जाए।
पर गाइज अगर मैं इन चारों ट्रेडमिल की पावर्स मिला के इनसे एक सुपर ट्रेडमिल बना लूं तो यार ऐसा एक मौका मिल सकता है मुझे कि मैं खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करके खुद का एज मीटर थोड़ा सा बढ़ा सकूं। ज्यादा नहीं पर गाइज थोड़ा भी बढ़ा दूंगा ना तो मेरा काम एटलीस्ट वहां से स्टार्ट तो हो जाएगा ना। अब यार पर मुझे ना इन चारों ट्रेडमिल को ज्वाइंट करके इनसे एक सुपर ट्रेडमिल बनानी पड़ेगी। यार मेरे को ऐसे तो थोड़ा बहुत काम काज करना आता है पर यार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं। पर गाइज देखो यार मैं तुम लोगों के सपोर्ट के बिना क्या कुछ नहीं कर सकता यार। देखो अगर तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यार मेरे को पक्का विश्वास है कि मैं ये चारों ट्रेडमिल को ज्वाइंट करके है ना एक सुपर ट्रेडमिल बना लूंगा जिससे है ना मैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक हल्क फ्रैंकलिन में कन्वर्ट हो जाऊंगा। मेरी एज को मैं एटलीस्ट 100 तो कर ही लूंगा अभी जीरो से। तो देखो यार अभी तक तुमने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे तो मैं एक सुपर ट्रेडमिल डेफिनेटली बना पाऊंगा। देखो चलो अभी तक वीडियो को लाइक तो कर ही दी होगा मैं जल्दी से इन पे काम करना चालू कर देता हूँ। गाइज ये देखो ये चारों ट्रेडमिल्स को यहाँ पे मैंने एक साथ ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पे मैंने काम इन पे करना चालू कर दिया। मैंने थोड़ी सी वायरिंग तो तुम लोग को बुलाने से पहले ही कर दी थी। अब आई थिंक यार थोड़ी देर में ना ये सारी ट्रेडमिल ज्वाइंट होके एक सुपर ट्रेडमिल में कन्वर्ट होनी चालू हो जानी चाहिए अगर मैंने काम सही किया है तो। अरे गाइज देखो मैं तुमसे बात कर ही रहा था ना यार ये देखो ये ट्रेडमिल पे ना कैसे स्मोक उड़ने लग गया है। मुझे तो लगता है ये बहुत ही जल्दी फ्यूज होने वाली है। अरे गाइज ये देखो यहाँ पे पटाखों की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और ये देखो ये क्या हो गया यार, ये देखो यार यहाँ पे जो सारी ट्रेडमिल थी गायब हो गई और सिर्फ एक ट्रेडमिल बची है। यार ये तो बस धुआं ठीक हो, इसको थोड़ा सा फूंक मार देता हूँ। फूंक 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 फूंक। अरे गाइज ये देखो यार ये फूंक मारना मेरा सक्सेसफुल हो गया। और ये देखो यार इसमें से कैसे मस्त यार जादुई स्पार्क्स भी निकल रहे। गाइज क्या मस्त चमचमाती हुई ट्रेडमिल है। मेरे को तो लगा था मैं ना इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा पर गाइज देखो तुम लोगों के सपोर्ट के बाद फाइनली मैंने ठीक कर ही दिया। जल्दी से दौड़ता हूँ। और ये गाइज देखो यार क्या मस्त काम काज। देखो यार मेरे को पक्का पता था कि मैं ये कर लूंगा। और ये देखो यार मैंने डेफिनेटली कर लिया। मैंने जल्दी जल्दी से दौड़ना चालू करा और ये देखो मेरा एज सूट मीटर बढ़ने लगा है। ओ गाइज देखो कितना जल्दी अपग्रेड हो जाएगा ये तो। अरे गाइज देखो 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 यार कितना ज्यादा मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी फुल स्पीड में मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखो यार मेरा तो है ना एज सूट मीटर अपग्रेड हो गया और उसके साथ साथ मैं भी अपग्रेड हो गया। देखो यार कितना खतरनाक यार मैं तो एक हल्क फ्रैंकलिन में कन्वर्ट हो गया। मैं भी एकदम मस्कुलर बन चुका हूँ सारे दूसरे हल्क्स की तरह। और यार मेरी बॉडी भी कितनी ज्यादा तगड़ी हो गई है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। एक सेकंड गाइस पर ये मुझे क्या आवाज आ रही है, रुको यार मुझे साइड में जाके छुपना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ पे से ना शिनचैन की आवाज आ रही है। शिनचैन यहाँ पे शायद वापस आ रहा है। रुको यार यहाँ पे जाके छुप जाता हूँ। अरे हाँ देखो गाइस यहाँ पे तो शिनचैन वापस से आ गया पर ये छोटा कैसे गया। यार ये मेरा तो एज सूट मीटर अपग्रेड हुआ था पर है ना वो तो टेम्पररी अपग्रेड हुआ था। मेरी ट्रेडमिल में ना इनफ पावर नहीं थी मेरा सूट मीटर परमानेंटली अपग्रेड करने के लिए। अरे सारे दद्दू हल्क कहाँ चले गए यार। और यार यहाँ पे इतनी सारी ट्रेडमिल थी उसके बदले एक ट्रेडमिल कैसे आ गई। रुक यार इसको चेक करता हूँ। नहीं 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 यार इसमें भी जूस नहीं, मुझे ये भी अपग्रेड नहीं कर पाएगी, कितनी खटारा ट्रेडमिल है यार। अरे गाइज ये देखो यार शिनचैन को भी अपग्रेड होना है पर इसके पास भी अब ट्रेडमिल नहीं अपग्रेड करने के लिए। अब देखो यार इसको पता चलेगा मेरा दर्द। कोई बात नहीं यार देखो मेरे पास तो एक तरीका है जहाँ से है ना बहुत सारी अच्छी हल्की ट्रेडमिल मिल जाती है। जल्दी जल्दी से मैं वहाँ पे चलता हूँ, वहीं पे जाके मुझे सारी हल्की ट्रेडमिल मिल जाएगी। जल्दी से खुद का अपग्रेड भी कर लूंगा मैं। अरे गाइज यार ये तुमने सुना क्या, शिनचैन को पता ही हल्की ट्रेडमिल्स कहाँ मिलती है। जैसा कि उसने बोला यार इसका तो जूस खत्म हो गया। गाइज मैंने चार खराब ट्रेडमिल को मिला के एक अच्छी ट्रेडमिल बनाई थी, इसके लिए मुझे फुल्ली अपग्रेड नहीं कर पाएगी। चलो यार मैं भी शिनचैन को फॉलो करता हूँ, उसके पीछे पीछे यार मेरे को भी अच्छी ट्रेडमिल्स मिल जाए। गाइस तो देखो यार मुझे है ना शिनचैन से पता चल गया कि है ना नेक्स्ट हल्क अपग्रेड की ट्रेडमिल कहाँ पे। यार वो उसने तो मुझे बता नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको चोको चिप्स की घूस दे दी यार। मेरे को मार पिटाई करनी भी नहीं पड़ी। शिनचैन और मेरे बीच तो सिर्फ फोकट की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी देखो शिनचैन तो कहीं और चला गया खुद को अपग्रेड करने के लिए, पर उसने मुझे बता दिया यार कि यहाँ पे एक हल्क शार्क के है ना मास्टर रहते हैं। वो हल्क शार्क मास्टर के पास एक है ना हल्क को अपग्रेड करने की ट्रेडमिल है, वो अपने स्टूडेंट्स को इससे अपग्रेड करने का काम करते हैं। ये देखो यार यहाँ पे उनका है ना यहाँ पे टीचिंग का एरिया है। ये देखो गाइस यार ये ट्रेडमिल भी तुम्हें देखी गई होगी। बाप रे यार कितनी तगड़ी ट्रेडमिल लग रही है। यहाँ पे देखो यार ये वाले अरीना में है वो मास्टर उनको चीजें सिखाते हैं और जो भी ज्यादा सक्सेसफुल होता है उसको फिर ये वाली ट्रेडमिल पे दौड़ने मिलता है। बाप रे ये देखो ये तो फायर वाली ट्रेडमिल है, इसमें कैसे आग लग रही है। इतने सारे लोग पेशेंटली ना हल्क को अपग्रेड करने के लिए वेट भी कर रहे, पर यार ये मास्टर कहाँ है मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे। एक सेकंड गाइस ये रहे मास्टर, जल्दी से जाके इनसे बात करता हूँ। हेलो जी, हेलो टीचर जी। अरे पापा बर्बाद हो गया यार, कोई तो मेरे लड़के को बचा लो। अरे क्या हो गया यार ऐसे मुझे बताओ यार, ऐसे तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया। तुम तो यार एक हल्क के मास्टर हो। अरे हाँ मैं हल्क का मास्टर हूँ पर मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती यार, मेरे लड़के को बचा लो, शार्क उसको खा जाएगी। अरे पर तुम तो एक हल्क शार्क हो, तुम्हें स्विमिंग करनी कैसे नहीं आती।
अरे मैं क्या बताऊँ, मैं पूरी जिंदगी जमीन पे ही रहा हूँ, मुझे स्विमिंग करनी आती नहीं है। हाँ पर तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ वो तो मुझे बता। अरे पापा ये देखो, हम लोग यहाँ पे पानी में खेल रहे थे, फिर थोड़ी सी शार्क उसको पकड़ के ले गई और वो अपने है ना शार्क किंग के पास उसको ले जाएंगे और उसको यहाँ पे है ना केज में बंद कर दिया। बेचारा कैसे भाग रहा है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शार्क्स मुझे खा जाएगी। गाइस ये देखो यार, ये हल्क शार्क को तो कैसे सारी दूसरी शार्क्स ने पकड़ रखा है। बाप रे, तो सारी कितनी गंदी शार्क्स यार। पहले एक जमाना था जब शार्क्स को अपने लोग ऐसे केजेस में पकड़ते थे, पर अब तो देखो यार, ये शार्क ने एक हल्क शार्क को केज में पकड़ लिया है। तुझे तो खा जाएंगे हम लोग, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बहुत टाइम से कोई हल्क को नहीं खाया है। एक हल्क को खाने में जो मजा आती है किसी को खाने में नहीं आती। बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है हल्क में। नम 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 नम। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे गाइस देखो, अगर यार इसको जल्दी बचाया नहीं ना तो ये तो देखो पूरी हल्क शार्क को खा जाएंगे यार। ये क्या करूं मैं। अरे मेरे बेटे को बचा लो यार, अगर तुमने उसको बचा लिया तो मैं तुमको मेरी ट्रेडमिल फ्री में दे दूंगा। तुम उस पे दौड़ के अपनी एज सूट ईयर्स बढ़ा पाओगे। हैं क्या, अगर मैंने उसको बचा लिया तो तुम मुझे ये वाली ट्रेडमिल दे दोगे जिससे मैं अपने हल्क के एज सूट ईयर्स बढ़ा पाऊंगा। अरे हाँ, आई प्रॉमिस यू। अभी तो देखो अंदर जाने का रास्ता लॉक है, उसकी चाबी दे दूंगा तुम्हें। गाइस ये देखो, अगर ये ट्रेडमिल चाहिए तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अरे पर ध्यान रखना है, तुम जैसे ही पानी में कूदोगे तुम्हारे पीछे शार्क लग जाएगी। गाइस अब देखो यार, यहाँ पे ना बोट से तो लोग काफी ज्यादा सेफ लग रहे हैं, क्योंकि बोट्स पे तो शार्क हमले नहीं करते, क्योंकि शार्क को पता है बोट उनसे ज्यादा तेज जाती है। तो यार मैं वहां तक तो बोट लेके चला जाता हूँ। अरे ध्यान रखना, तुमको तो शार्क काटने आएगी क्योंकि तुम एक हल्क फ्रैंकलिन हो। अरे हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा। गाइस ये देखो, मैं यहाँ पर तो आ गया, यहीं पे कहीं पे था यार उसका है ना जो ट्रैप लगा हुआ था। अब यार मुझे यहाँ पे बोट से उतरना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये क्या हुआ यार। फ्रैंकलिन आ गया, बहुत टाइम से किसी हल्क को नहीं खाया था, तुझे तो खा जाऊंगी। अरे ये क्या है, अरे इस शार्क से बचना, इसीलिए है ना मेरे भाई को भी खाया था। गाइस ये देखो, ये क्या कर रही है भाई, ये शार्क तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो पानी में बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, एक ब्लू हल्क नहीं हूँ ना। अरे बॉस इसको खा जाओ, मजा आएगा, तुम इसको मार दो फिर हम सब मिलके इसको खाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना मत गाइस यार, रुको, मेरे को है ना ये बड़े से शार्क के बोन पे जाना पड़ेगा, पर ये तो मुझे जा ही नहीं दे रही वहाँ पे। अरे मेरा मुंह तो पूरा खा गई यार, तो गाइस यार पूरा खराब कर दिया, दांत काट काट के मुझे। चीजें छोड़ूगी नहीं मैं, बहुत ही मजा आ रहा है तेरा खाना खाने में। नम 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 नम, यार तेरे में बहुत शक्ति है, जितनी देर से तू मेरी है ना पावर सरवाइव कर रहा है, तुझे तो बहुत जोर से काटूंगी। गाइस मुझे कुछ भी करके इसको मारना पड़ेगा, पर यार देखो मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं यार, कुछ भी हथियार नहीं निकाल सकता मैं। रुक जाओ, देखता हूँ क्या निकाल सकता हूँ। ये छोटा सा सिर्फ मैं चक्कू निकाल सकता हूँ, इसको चक्कू से मारूंगा। अरे मेरे को चक्कू मारता है, तेरी तो ऐसी तैसी इतनी हिम्मत हुई तेरी, ये ले बाहर उठा के फेंक दिया मैंने तुझे। गाइस ये देखो, यही मेरा मौका है यार, इसने मुझे बाहर उठा के फेंक दिया यहाँ पे, बस मैं एक बार ऊपर चढ़ जाऊँ तो सेफ हो जाऊंगा। ये देखो इसने मुझे छोड़ दिया है। और गाइस ये देखो, मैं यहाँ पे ना बोन्स पे चढ़कर आ गया हूँ यार। अरे पर इसने तो मुझे यहाँ से भी उठा लिया। अरे फ्रैंकलिन देखो, ऐसा लगता है तू मेरे लड़के को नहीं बचा पाएगा, तू अपनी जान बचा ले। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अब यार ये शार्क को हराना ही पड़ेगा और यार इस लड़के की भी जान बचानी पड़ेगी। अरे ठीक है यार, एक काम करता हूँ, जल्दी से पत्थर पे चढ़ जाता हूँ कैसे भी करके। जा पत्थर की तरफ जा, वहां से भी खा लूंगी तुझे तो मैं। अरे नहीं 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 गाइस, ये देखो यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। पर गाइस देखो, अब मेरे पास यहाँ पे मेरे सारे हथियारों का एक्सेस आ गया है। रुको, मेरी रेल गन आ गई यार, ये है ना मैन हंटर फिश वापस से आएगी ना, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं यार, मैं एकदम अपने सेंसेस का यूज कर रहा हूँ। कहाँ पे यार वो, मैं ऊपर ही नहीं आऊंगी, तू मुझे मारने की साजिश कर रहा है। गाइस ये देखो, मुझको पानी में डाल जाके इसको बेट करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मैं आऊंगी, तू मुझे देख भी नहीं पाएगा। गाइस यार ये रही, अरे ये रही मेरे पीछे, रुको यार इसके ऊपर मुझे ब्लास्ट करने दो, ये ब्लास्ट किया। अरे फ्रैंकलिन मेरे ऊपर ब्लास्ट करता है, तेरी ऐसी तैसी, ये ले। गाइस ये देखो, मैंने इसके ऊपर एक दो तो हमले करे थे, पर यार मैं इसको अच्छे से नहीं मार पाया क्योंकि मुझे ढंग से दिख ही नहीं रही थी वो। कांगे यार वो रही, रुक जाओ यार गलती, काम करता हूँ मैं स्नाइपर राइफल खोलता हूँ और यार स्नाइपर राइफल से इसके ऊपर एम करने का ट्राई करता हूँ, शायद उससे मैं इसको मार पाऊंगा। ये देखो ये रही, ये देखो मैंने इसको गोली मारी। अरे फ्रैंकलिन मेरे पे गोली मत मार, मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे देखो गाइस यार, इसको है ना गोलियां तो लग रही है, ये देखो यार ये तो एकदम तगड़ी गोली लगी थी यार, ये तो अंडर वाटर चली गई। कहां गई यार, गाइस मुझे दिख ही नहीं रही, तुमको दिख रही है क्या वो हल्क शार्क। रुको यार मैं मेरा वाइड एंगल कैमरा यूज करता हूँ। रुको यार यार यहाँ पे तो कहीं पे दिख नहीं रही यार मुझे, कांग गई। मैं बाहर ही नहीं आऊंगी फ्रैंकलिन, तू मुझे गोली मार देगा। गाइस ये देखो, मेरे को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नीचे वाले एरिया में जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा थुलथुला पानी है, यहाँ पे है ना वो मुझ पर अटैक करेगी पक्का।
और ये देखो इसने मुझे अटैक कर दिया। अरे पर ये तू मुझे खींच के बाहर ले आई। ए फ्रैंकलिन नहीं बचेगा तू, बिल्कुल नहीं बचेगा। अरे इसकी ऐसी तैसी गाइस, मुझे तो उसके ने चक्कू से ही अटैक करना पड़ेगा इस पे। ये देखो यार मैं मेरा चक्कू चला रहा हूँ, ये शार्क कहाँ पे? तू एक बार इधर आ जाओ, तेरे को झलक दिखला दूंगा मैं। मैं किंग शार्क हूँ, ऐसे नहीं मरूंगी। गाइस ये देखो यार, ये तो मेरी कितनी ज्यादा धुलाई लगा रही है, पर मैं इसको हरा के रहूंगा। इधर तेरी तो ऐसी तैसी। अरे बाप रे यार, कितना ज्यादा जोर से मार रही है यार। रुक जाओ यार, कहाँ पे गया? मैं इसको एक पंच मारूंगा। इधर आ, मैं तेरे को पंच मार के हरा दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस हूँ। गाइस ये देखो शार्क मेरे पे हमला कर रही है। एक बार इसको एक पंच मार दिया ना मैंने, ये मर जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है खुद पर, पर यार ये मुझ पर अटैक करने का मौका ही नहीं दे रही मुझे। इधर आ जा, इधर आ जा। गाइस ये देखो शार्क ने तो ना मुझे यहाँ पे प्लांट पे फेंक दिया, यही इसकी गलती हो गई। ये देखो ये यहाँ पे बाहर निकली भी है। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, तू मुझे नहीं मार पाएगा यहाँ पे भी। नहीं 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 मार दूंगा यार। गाइस देखो एक काम करता हूँ, बड़ी सी मेरी शॉटगन निकालता हूँ और इस पे गोलियां डालनी चालू कर देता हूँ। अरे नहीं मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मत कर फ्रैंकलिन मेरे साथ ऐसा, मेरे को यहाँ से जाने दे। नहीं गाइस इसको मैं बिल्कुल भी नहीं जान दूंगा। ये देखो मेरी है ना, ये निकाल लिया है मैंने। अरे देखो छोड़ूंगी नहीं मैं यहाँ पे भले कम पानी में आ गई हूँ, पर तू मेरे को नहीं हरा पाएगा। गाइज ये देखो यार, इसने ये गलत कर दिया शार्क ने यार ऊपर आके। ये देखो मैंने निकाली मेरी मिनी गन और इसको गोलियां मारनी चालू कर दी। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है एक काम कर, तू हल्क शार्क को लेके जा, पर यार मुझे मत मार। अरे नहीं तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, तू बहुत ज्यादा डेंजरस है। गाइज फुल गोलियां मारी कर रही है। ये देखो यार मैंने इसके है ना बॉस को शायद से मार दिया। रुको पानी में जाके देखता। अरे हाँ फ्रैंकलिन तूने तो मुझे मार दिया। गाइस ये देखो यार कितनी ज्यादा मानो मशक्कत लगी यार इसको मारने में, पर फाइनली मैंने इसको हरा दिया। भाई मेरी तो है ना आंसू आ गए थे आंख में से। चलो गाइस यार जल्दी जल्दी से चलता हूँ यार वो बेबी हल्क शार्क को बचाने के लिए। ये देखो गाइस यहाँ पे आ गया, अब मैंने इनकी किंग को मार दिया तो ये सारी शार्क भी मुझे कुछ नहीं करी। अरे फ्रैंकलिन सर माफ कर दो यार, तुमने तो हमारे किंग को मार दिया, हमको मत मारना। अरे नहीं नहीं तुझे नहीं मारूंगा, बस मैं तो इसको बचाने। अरे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अरे डोंट वरी यार, रुक जा मैं फटाफट से ग्रिल को हटा देता हूँ। ये देखो गाइस यार मैं पूरा दम लगा रहा हूँ यार ग्रिल को हटाने के लिए। अरे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। हाँ तुमने खोल दिया इसको। अरे हाँ जल्दी से ऊपर चला जा। गाइस ये देखो वो वाला हल्क शार्क तो भाग गया। अरे फ्रैंकलिन मैं थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। अरे हाँ जल्दी से मेरे पीछे आ जा। अरे हाँ हेलो हेलो। अरे थैंक यू तुमने मेरे बेटे को बचा लिया यार। अरे टीचर जी रो मत यार, खुश हो जाओ, देखो मैं आपके बेटे को बचा के लेकर आ गया। अरे पापा ये देखो फ्रैंकलिन भैया ने तो मुझे बचा लिया। अरे यार कितना ज्यादा खतरनाक, मेरे को घमासान लड़ाई करनी पड़ी थी वो हल्के है ना शार्क किंग से। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन, थैंक यू यार तूने मेरे बेटे को बचा लिया। अरे यार आपकी आवाज कैसे चेंज हो गई? अरे वो है ना मैं बहुत ज्यादा टेंस होता हूँ तो मेरी आवाज चेंज हो जाती है। अब मैं वापस एक हल्क शार्क बन चुका हूँ। जा बेटा अंदर है ना, गेट का पासवर्ड है 1234, वहाँ जाके खुद को अपग्रेड कर ले। अरे वाह गाइस देखो 1234 पासवर्ड मिल गया, मैं जल्दी से जाके गेट खोल के खुद को अपग्रेड कर लेता हूँ। ये देखो गेट पे पहुंचा और यहाँ पे जाके डालता हूँ 1234। अरे हाँ पासवर्ड खुल गया यार। ये देखो गेट खुल गया। अरे वाह वाह वाह, हमको अपग्रेड होते हुए एक ना हल्क फ्रैंकलिन को मौका मिलेगा। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। अरे गाइस ये देखो ये सब जन भी कितने ज्यादा एक्साइटेड है। मैं जल्दी जल्दी से दौड़ता हूँ यार, देखो फुल स्पीड में यहाँ पे दौड़ रहा हूँ। अरे ये देखो मेरा 8 फुट मीटर ऊपर जा रहा है, कितना जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है गाइस। अगर ऐसे ऊपर जाता रहा तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ये देखो इतना ज्यादा ऊपर चला गया कि मैं खुद भी देखो एक हल्क शार्क में कन्वर्ट हो गया। अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया यार, इस हल्क शार्क को देखो तो सही। ओ माय गॉड गाइस मुझे देखो यार, मैं कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा। अरे वाह फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है, तेरी नई पावर्स भी देख। गाइस ये देखो मैं स्विम करके पानी में जाता हूँ, कितनी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे स्विम कर सकता हूँ। अरे वाह वाह वाह, कितना ज्यादा मजा आ रहा है यार यहाँ पे तो मुझे। रुको एक बार अंडरग्राउंड डाइव करके देखता हूँ। ये देखो यार मेरी स्विमिंग की स्पीड भी कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई, मैं भी एक है ना किंग मैन ईटर शार्क के जैसा बन गया। वूहू। अब गाइस देखो यार मैं इतना तगड़ा शार्क हल्क तो बन चुका हूँ, पर यार अभी भी मेरा 8 फुट मीटर अभी भी फुल नहीं हुआ यार। सिर्फ इससे मेरा घर नहीं चलने वाला, मुझे खुद को एक और भी ज्यादा खतरनाक अपग्रेड हल्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर यार मुझे पता नहीं यार मुझे नेक्स्ट ट्रेडमिल मिलेगी कहाँ से। अब यार मैं तुमने एक सच बात बताऊँ तो यार, देखो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि है ना शिनचैन ने है ना मुझे है ना अपनी मर्जी से बताया कि ये अपग्रेड की ट्रेडमिल कहाँ मिलने वाली है, पर गाइस ऐसी बात नहीं थी यार, वो तो मैंने तुमको ऐसे ही बोल दिया था। मैंने है ना शिनचैन को बात करते हुए सुन लिया था और मैं है ना उस शिनचैन से पहले वहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब यार अगर शिनचैन वहाँ पे पहुंचा होगा तो उसको वो अपग्रेड वाली ट्रेडमिल नहीं मिली होगी, क्योंकि उसका सारा जूस तो मैंने यूज कर लिया था। पर कोई बात नहीं गाइस यार, अब तो मैं इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया हूँ
शिनचैन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ओ पिंकी मैं बहुत कुछ बिगाड़ लूंगा तुम्हारा। अरे शिनचैन की आवाज कैसे आ गई? अरे ये क्या गया? ओ पिंकी मैं तुमने है ना मेरी ट्रेडमिल को इस्तेमाल करके खुद को अपग्रेड कर लिया। अरे नहीं नहीं शिनचैन सुन तो सारी। अरे गाइस इसको तो मेरे पे गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है? रुको इधर आ, तुम्हारी तो ऐसी तैसी यार, तुमने मेरी बात सुन के मेरी ट्रेडमिल इस्तेमाल कर ली, ये लो, और तुमने मुझे फॉलो भी किया। अरे नहीं नहीं शिनचैन रुक जा भाई, ऐसे मत कर यार, ऐसे मत धुलाई कर मेरी। अरे गाइस ये देखो ये क्या करूं यार, शिनचैन को तो मेरे पे गुस्सा आ गया यार। देखो यार अच्छा है मैंने तो तुम्हें सही टाइम पे सच बता दिया, वरना शिनचैन को अगर तुम्हें सच बताता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम लोगों से भी झूठ बोल रहा हूँ। पर गाइस देखो मैं क्या करूँ यार, ये मुझे अपग्रेड ही नहीं होने दे रहे थे यार। अरे कहा धरती के नीचे फेंक दिया मुझे। पिंकी भाई तुम तो पाताल लोक में जाओगे, तुमने गलत काम किया है ना। अरे ये पाताल लोक में तो नहीं आया पर मुझे पता नहीं कहा गया। गाइस ये देखो शिनचैन तो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अगर मुझे इसको हराने के लिए कोई भी चांस चाहिए तो मुझे मेरा एज सूट मीटर फुल करना पड़ेगा, उसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। पिंकी भैया देखो यार मैं तो रैंप चैलेंज करके मेरा एज सूट मीटर फुल करके आ गया हूं, तुम रैंप चैलेंज नहीं कर पाओगे कभी भी कंप्लीट। अरे क्या तू रैंप चैलेंज करके एज सूट मीटर को फुल करके आया? हाँ पिंकी भैया, पर वो वाला रैंप चैलेंज की लोकेशन मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ मत बताना, वैसे भी मुझे पता है। पिंकी भैया क्या वो वाली जगह के है ना तुम्हें रैंप चैलेंज की लोकेशन पता है? अरे हाँ हाँ वो वाली जगह के तो मुझे बिल्कुल पता है। पिंकी भैया ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो एकदम टॉप सीक्रेट लोकेशन थी यार काली पहाड़ी के वहाँ पे। अरे वाह थैंक यू शिनचैन, चलो यार तूने मुझे बता दिया रैंप चैलेंज की लोकेशन का है। अब बस मुझे गाइस ये शिनचैन से दूर भागना जिससे मैं वहां तक पहुंच सकूं। नहीं 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 तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो यार, फिर से देखो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। गाइस बस मुझे ये शिनचैन से दूर भागना है, एक बार दूर भाग गया ना फिर तो ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा यार। ये है ना जो मोटे हल्क होते हैं इनका स्टेमिना बहुत कम होता है। नहीं नहीं मैं मोटा नहीं हूं, मैं तो एक जायंट हल्क हूं। अरे हां हां वही बात बोल रहा हूं। गाइस ये देखो ये मेरे पीछे भाग रहा है। पिंकी मैं भागवत मेरे पीछे आओ मत आओ। अरे तेरे पीछे नहीं आ रहा, क्या कर रहा है यार शिनचैन, ये क्या कर रहा है? पिंकी मैं देखो तुमको तो मार दिया मैंने। अरे नहीं गाइस यार अभी तो इतना वो शार्क से पिट गया था, अभी शिनचैन से पिट रहा हूं यार, ये क्या जिंदगी जी रहा हूं मैं। कोई बात नहीं गाइस यार भागने की फुल टू कोशिश कर रही है यहाँ पे। ये देखो यार एक बार स्पीड पकड़ लूँ ना मैं गाइस, एक बार जो स्पीड पकड़ लूँ फिर ये शिनचैन मुझे नहीं पकड़ पाएगा। गाइस मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी स्पीड शिनचैन से ज्यादा है। ये देखो गाइस यार थोड़ा सा मैंने और मेरे और शिनचैन के बीच में डिस्टेंस रख गया। पिंकी भाई कितने तेज दौड़ते हो तुम तो। अरे हाँ शिनचैन मैंने बोला ही था गाइस कि मैं एक बार स्पीड पकड़ लूंगा फिर तो ये शिनचैन मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। ये देखो कितना ज्यादा स्पीड में दौड़ रहा हूँ मैं तो, एकदम शिनचैन से दूर भाग गया और थोड़ा ज्यादा दूर चला जाता। अब गाइस यार देखो अभी शिनचैन को तो ध्यान नहीं होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं करने जा रहा हूँ वो वाला रैम चैलेंज जिसके एंड पे वो खतरनाक अपग्रेड करने वाली ट्रेडमिल मिलती है जिससे मैं मेरा एज सूट ईयर को फुल कर सकूं और मैं भी फिर एक जायंट हल्क में कन्वर्ट हो जाऊंगा। फिर मैं ये शिनचैन के बच्चे को दिखाऊंगा कि यार कौन कौन है। चलो यार फटाफट से गाइस वहां पे चलता और वहां पे तुम्हें मिलूंगा। गाइस ये देखो मैं काली पहाड़ी पे तो पहुंच गया हूं, पर यार पता नहीं वो रैम चैलेंज का है मुझे दिख ही नहीं रहा यार। ये देखो अलग सा रैम चैलेंज होने वाला है, यहां पे कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर या कोई भी होने नहीं वाला उसको होस्ट करने के लिए। एक सेकंड गाइस यार ये तो मुझे लगता है वही रैम चैलेंज है। यहाँ पे देखो यार सारे हल्क आते खुद का लक अजमाते और अगर उनका लक सक्सेसफुल रहता है तो उनको है ना लास्ट में अपग्रेड होने का मौका मिलता है। ये वाला रैम चैलेंज इतना खतरनाक है ना कि यहाँ पर अगर तुम फेल हो जाओगे तो डायरेक्ट काली पहाड़ी से नीचे गिर के तुम मर जाओगे। इसके लिए यहाँ पे कोई भी दूसरा जन नहीं आता। एक बार गाइस मैं फटाफट से खुद तो देख लूं। ये देखो ये वाली बाइक पड़ी है यहाँ पे, देखो बहुत ही इतना लंबा ऊंचा रैंप है, यहाँ पे से इतना खतरनाक जंप मार के मुझे टुकड़े टुकड़ों पे जाना है, फिर इनपे से जाते जाते मुझे फटाफट से और भी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना है। ये देखो यार यहाँ पे ये टूटा हुआ ब्रिज है, इससे भी बचना है मुझे, फिर आगे जाना है और ये देखो ये सारी आग के पिट से बचना है। ये देखो लगता है कोई बेचारा हल्क यहाँ पे रैंप चैलेंज कर रहा था वो यहाँ पे से हार गया और नीचे गिर के मर गया, इसके जैसा हर्ष यार मेरा ना। उसके बाद देखो यार ये सारे टायर्स में से निकल के यहाँ पे नीचे जंप मार रहा है और देखो फाइनली जो सक्सेसफुली यहाँ तक पहुंच जाता है उसको अपग्रेड होने का मौका मिल जाता है। गाइस जय श्री राम बोल के जल्दी से है ना करना चालू कर देते। देखो यार ये बाइक तो कैसी मेरे साथ मैचिंग हो रही है, अगर मैं अपग्रेड हो गया ना इनफ तो गाइस यार मैं शिनचैन हल्क को हरा दूंगा और फिर यार फटाफट से है ना मैं है ना लॉस सैंटोस से वापस से शांति ला लूंगा और मेरा एयर सूट मीटर भी फट जाएगा। इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है यार, मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं? अरे हाँ हाँ पहुंच गया गाइस, अगर नीचे गिर जाता ना तो मेरी तो वाट लग जाती है। अभी देखो यार ये खड्डों में से भी मैं कभी भी नीचे गिर सकता हूं, पर यार मुझे फुल कॉन्सेंट्रेशन से बाइक चलानी पड़ेगी। अरे देखो यार ये ब्रिज पे तो पहुंच गया, टूटे हुए पीस से मुझे निकलना है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मेरी बाइक फंस गई। हाश गाइस बच गया, साइड में फंसता जा रहा हूं। अरे कोई बात नहीं गाइस, बहुत ही मुश्किल से मैं वहां से निकल के बच गया। अगर नहीं निकल पाता तो मैं ना वहीं पे मर जाता और मेरा भी ये वाले हल्क की तरह हर्ष होता। अरे बाप रे यार मेरे पैर में थोड़ा सा ना जल गया गाइस वहां पे आग में, पर कोई बात नहीं गाइस, अगर आग से नहीं गुजरूंगा तो खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊंगा। चलो गाइस यार यहां पे देखो फुल स्पीड से आगे जा रहा हूं, मुझे सिर्फ यहां पे लैंडिंग करनी है। ये देखो गाइस यार मैंने यहां पे लैंडिंग कर ली है
और यहाँ पे इतनी बढ़िया लैंडिंग के बाद गाइस मुझे देखो ये वाली ट्रेडमिल पे दौड़ने का मौका मिलने वाला है। मैं मेरा एज सूट ईयर फुल कर लूंगा, जल्दी जल्दी दौड़ना चालू करता हूँ गाइस। होपफुली मैं भी एक जायंट हल्क में कन्वर्ट हो जाऊँ, फिर तो मैं शिनचैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पक्का हरा दूंगा। ये देखो यार मेरा मीटर बढ़ना चालू हो चुका है, और ये देखो गाइस मैं भी शिनचैन की तरह मेरा एज मीटर को फुल करके एक जायंट ग्रीन हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। गाइस मैं तो थ्री हेडेड विंग्स वाले है ना दबंग हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अब आए ना वो शिनचैन, उसकी ऐसी तैसी कहाँ पे मेरे से पक्का ले रहा था। पिंकी मैं देखो तुम्हारे पीछे यू। अरे झूठ मत बोल, पीछे नहीं आगे। हाँ पिंकी मैं वही बोला। अरे तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, तुमने ये काली पाड़ी वाला चैलेंज कर लिया क्या? अरे हाँ वो चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया, तू अब मेरे को कितना भी मारने की कोशिश कर ले मुझे कुछ भी नहीं होगा। गाइस देखो मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। देख शिनचैन भले तेरे तीन हेड है, पर मेरे तीन हेड है वो हल्क वाले हेड है, और मेरे पास विंग्स भी है। पिंकी मैं पर मेरे पास छह छह हाथ है। अरे हाँ पर तेरे दो हाथ तो तेरे सर को पकड़ने में बिजी है, और दो हाथ तो कमर पे। पिंकी मैं मतलब मेरे पीछे गए ना तुम्हें मार दूंगा ना। अरे अभी तो देख मैंने तेरे पे एक हमला भी नहीं किया, तो भी तो इतना ज्यादा है ना मेरे से डर रहा है। सोच मैं तेरे से एक हमला करूंगा तो क्या होगा। ये खा मेरी थप्पड़। अरे थप्पड़ नहीं मारने दी, रुक जा गाइस यार, इससे मैं डरूंगा नहीं। क्या करता हूँ मैं इसको है ना जोर से फेंक दूंगा एक हैवी पंच मार के इसको। ये ले शिनचैन। पिंकी भाई क्या करे, अपने छोटे भाई की ऐसी पिटाई लगाओगे? अरे शिनचैन तेरे को थोड़ी पिटाई लिखानी तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तू बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। पिंकी भाई नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे रुक जा शिनचैन, ये ले तू ये खा। पिंकी भाई पानी में क्यों डाल रहे हो मुझे बार बार? अरे तुझे तो पानी में डालूंगा, तेरे में से पास आ रही है ना इसके लिए। पिंकी भाई बात गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या नहीं छोड़ेगा तू, रुक जा मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले तुझे फिर से पकड़ के फेंक दिया वॉलीबॉल की तरह। गाइस देखो मैं कैसे शिनचैन को पकड़ के फेंक रहा हूँ। पिंकी भाई तुम तो आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए मेरे से भी। अरे हाँ शिनचैन ये तो तूने सही बोला, तेरे से ज्यादा स्ट्रांग तो मैं हो गया। पिंकी भाई ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। गाइस मैं शिनचैन को छोड़ दूँ क्या? नहीं मैं तुम्हें झूठ बोला, तुमसे माफी क्यों मांगूंगा मैं? अरे मेरे को बुद्धू बना रहा था, रुक जाओ तू तो ये खा यार, तेरे को वापस से फेंक दिया। गाइस इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, अब तो शिनचैन जब तक छोड़ता नहीं है ना एकदम छोटे एक शिनचैन में वापस से कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पर अटैक करना ही बंद नहीं करूंगा। पिंकी भाई मैं तुम्हारा सूट ईयर ले लूंगा तुमसे, पर मैं कमजोर नहीं होगा। गाइस ये देखो शिनचैन को तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुद पे। ये देखो यहाँ पे नीचे ट्रेन जा रही है, इसको भी ट्रेन पे फेंक देता हूँ। ये ले शिनचैन के बच्चे। पिंकी भाई तुमको क्या लगता है, तुमने मुझे ट्रेन पे फेंक दिया तो मुझे कुछ लगेगी? नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मेरी उम्र है शिनचैन द्वारा, मेरी उम्र है 5 साल। अरे 5 साल नहीं शिनचैन, तेरी तो 9999 से भी ज्यादा हो चुकी है, पर ये देख मैं तुझे मार दिया। पिंकी भाई ठीक है मान लिया, तुम ज्यादा स्ट्रांग हो तुम जीते। गाइस ये देखो यार शिनचैन की तो मैंने धुलाई लगा दी, ये तो यहाँ पे बेहोश हो गया। अब यार ये छोटा बच्चा समझ के इसको मैं माफ कर देता हूँ, पर गाइस देखो तुम यार ये छोटे बच्चे जैसी मिस्टेक मत करना। तुम लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम लोगों के लाइक और सब्सक्राइब के बिना यार मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन ही नहीं मिलता। गाइस तो यार मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।